भाई मेरे पास 1000 रुपए हैं, क्योंकि मैंने सुना है यहाँ पे बड़ी सस्ती चीजें मिलती हैं स्ट्रीट पे और इन ठेलों पे, वाकई में सस्ती मिलती हैं, लेकिन अब ये आइडिया लगाते हैं कि इतनी महंगाई के दौर में मुझे 1000 रुपए में इतनी चीजें मिल सकती है। तो क्या प्राइसेस के क्वालिटी वाली चाहिए? ये प्राइस है ये वाली 150 की, ये 150 की, ये वाली 150 की, ये 200 की। इसमें क्या ऐसा खासियत है? डबल जा रही है। हां भैया, इसकी क्या रीजनेबल लगाओगे? 200 रुपए की प्लास्टिक है। और जो पूरा सेट आता है वो 50 रुपए सेट ही आएगा। और बोले ये यही वाली चाहिए। और बोले, और इससे छोटा भी है इसमें? ये वाली कर दो। और कौन? इसके अलावा और क्या क्या चीजें होती हैं? सब आपके सामने लगी है। सूर्या वगैरह चाहिए, ये लाइटर चाहिए। लाइटर क्या प्राइस? लाइटर में ओरिजिनल और कॉपी का फर्क है। ये ओरिजिनल होता है हमारे पास, ये कॉपी होती है, ये ओरिजिनल होता है। कॉपी और ओरिजिनल में फर्क होता है स्टैम्प का, अंदर स्टैम्प लगी हुई होती है, इसमें स्टैम्प नहीं होती। क्या प्राइस है इनके? ये 300 रुपए का, ये 400 रुपए। ये इंडियन लाइटर है, ये हर घर में जरूरत का काम होता है यार, इससे है ना। हम्म, लाइटर तो बहुत ये बड़ा काम आता है। और बता, कोल्डिंग ग्लास आ रहा है? नहीं, बस यही छोड़ दो। ये कितने का है? ये 250 वाला है, 300 वाला है। ये चाइना, ये पाकिस्तान, ये 10 रुपए। और ये स्पून्स कितने की दे रहे हो? 250 के 6 है वो, स्टीलर स्टील है। ये वाले 700 के 12, 350 के 6, 700 के 12। और ये 250 के 6, 5। क्या प्राइस है तेरे भाई कप के? कोई से भी ले लो, 400 रुपए के 450 रुपए के। और ये ग्लासेस? एक बड़ा साइज वाले के क्या प्राइस है? 150 के, 150 का एक। ये बड़े वाले है ना? हाँ यार, बोतलों के रेट क्या दे रहे हो भाई? अलग अलग रेट है सर। कौन सी वाली चाहिए? इसके बताएं क्या है? ये जगह है 250। देखिए 250 रुपए का, 250 रुपए का जगह है। साइजेस है इसमें या बस एक ही है? साइज आता है लेकिन वो हमारे पास है। डब्बे वगैरह भी है। और ये कंटेनर्स वगैरह के प्राइस है? ज्यादातर आइटम 250 का है, वैसे 300 वाले भी है, 350। 250 से स्टार्ट है। क्या प्राइसेस दे रहे हैं इनके? ये खेतों की थी। और प्लेट्स वगैरह 500 की थी। और ये वाली क्वालिटी 1300 की थी। और इसी का छोटी वाली 600 रुपए का सेट, 3 पीस है। इसी की छोटी वाली, ये छोटी है, इसकी प्राइस 1000 रुपए की थी। ये इससे बड़ा साइज है, 900 रुपए की थी। इसकी क्वालिटी और नीचे वाली क्वालिटी एक है, ये तीनों एक ही। अच्छा, तो ये सारी डबल फेस नहीं है? नहीं, अभी नहीं है, कुछ लिखा हुआ होगा वो डबल की रेट है। तो ये तीनों के क्या प्राइस दे रहे हैं आप? 1300, 900, 1000। 1300, 900 और 1000। और अगर कोई लेने आए तो आप कम करेंगे? यही प्राइस होंगे, 400 रुपए कम कर देते हैं। 1000। और इसमें कितने डिजाइन होंगे आपके पास? डिजाइन कितने होंगे? डिजाइन तो बहुत सारे मेरे पास। अच्छा, रेट भी अलग होंगे, डिजाइन भी अलग होंगे। डबल के लिए ये
यहाँ पे मुझे सेम वही नजर आई, इनसे पूछने इनकी क्या प्राइस है, क्या प्राइस है इसकी? डबल ग्लेस है, प्लेन नहीं है ग्लेस, ग्लेस डबल ग्लेस। पतंजलि तुम अभी भी पुरानी वाली वीडियो में चल रही हो। नहीं लेस इज नहीं ग्लेस, प्लास्टिक में डबल ग्लेस और सिंगल ग्लेस होता है ना। ये वाला दिखाना भाई, हाँ कितने का है ये? ये कितने की दे रहे भाई? 200 के हिसाब से जो है आज यहाँ पे रश बहुत ज्यादा हुआ हुआ है। आम दिनों में वैसे भी होता है यहाँ पे, क्योंकि गोल्डन मार्केट का मेन मार्केट है ये, जहाँ पे सारी घर की चीजें और क्रॉकरी की भी चीजें यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाती हैं, तो यहाँ पे रश बहुत होता है। और मेरे ख्याल में जो कभी मैं कभी तुम में जो मुस्तफा और वो शर्जीना घूम रहे थे, वो भी इसी बाजार में घूम रहे थे। नहीं वो इतवार बाजार में, वो कोई इतवार बाजार था, घूम रहे यहाँ पे थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने के लिए। तो आपको भी दिखा रहे हैं साथ साथ के क्या क्या सीन होना है यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। अगर आप लोग नहीं आए अब तक यहाँ पे तो हमारे साथ रहे, दिखाते रहेंगे हम आपको। सारा कैचर देख के यहाँ रुक गए हैं। क्या प्राइस दे रहे हैं भाई इसके? 100 रुपए का पैकेट है ये, 100 रुपए का पैकेट है, लेकिन वो वाली क्वालिटी पैकेट में 3 है। हाँ लेकिन वो वाली क्वालिटी नहीं है। आओ कप्स भी चेक करते हैं, कप्स लेने हैं हमें। क्या प्राइस है इन कप्स के? 12 को कप चाहिए तो सारा जो है अभी। और ये छोटे साढ़े 350 के छह क्या प्राइस है भाई? और ये छोटे बच्चों वाले और इससे भी थोड़े छोटे आते हैं ना, जो बॉन्ड बेबी के होते हैं। यहाँ पे भी कुछ घर की चीजें देख पा रहे हैं। ये ब्रशेस की क्या प्राइस? ठीक है, इससे बड़े चाहिए। लेकिन ये हार्ड है ना, थोड़ा सॉफ्ट वाला। ये एक नंबर है, ये सॉफ्ट है, ये आपको इसमें ऐसा लग रहा है, ये सॉफ्ट है। क्या प्राइस दे रहे हैं जी? ये प्राइस पर तो मुझे ऐसा कि ना आपके जो ये खड़े नजर आ गए प्यारे प्यारे से, तो मैं ये देख लूं जरा के लिए। इसकी क्या प्राइस दे रहे हैं? इसकी क्या प्राइस दे रहे हैं भाई? तो ये लेकिन आपके दे रहे हैं हमें 350 रुपए में। साढ़े 300 रुपए इसके अंदर कड़े भी हैं और चूड़ियां भी हैं। है 350 रुपए। ये कितने के भाई? 450 रुपए के इनके साथ कड़े हैं और चूड़ियां भी आपको मिल रही हैं। और ये वाले कितने के? ये वाले बड़े साइज के प्राइस? ये वाले क्या प्राइस? ये 650-650 अलग अलग। आपको
तो हम आ चुके हैं एक स्टॉल पे जहाँ पे हमें ये पेंसिल्स नज़र आ रही हैं, कॉस्मेटिक्स का काफ़ी सारा सामान नज़र आ रहा है जो कि मैं जो है वो चेक कर रही हूँ, और बहुत स्मूथ पेंसिल है जो कि हमें मिल रही है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। अब ये नहीं पता कि इसकी क्वालिटी कैसी है यूज़ करने के अकॉर्डिंगली, लेकिन जैसे मैं अगर हैंड पे अपने यूज़ कर रही हूँ तो बहुत ज़्यादा स्मूथ टच है इसका और बहुत अच्छी है। तो जो कलर हमें इसमें अच्छा लगता है वो हम इसमें से एक ले लेते हैं और घर पे जाके ट्राई करेंगे कि कैसा है, क्योंकि हमें तो अपना 1000 रुपीज़ चैलेंज पूरा करना है कि हम 1000 रुपीज़ में क्या क्या हमें मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो आप अपने हिसाब से आके ले सकते हो इजीली, काफ़ी ज़्यादा बहुत रीजनेबल प्राइसेस में, यहाँ पे 250, 200 और बहुत रीजनेबल प्राइसेस में हमें मिल जाती हैं। ये कलर मुझे अच्छा लगा है और मैं जो है ये वाला कलर एक ले लेती हूँ, और भी देख रही थी मैं बट मुझे अच्छा लगा सिर्फ एक ये वाला कलर, तो ये वाला ज़्यादा स्मूथ था और मुझे अच्छा भी लग रहा था, तो ये मैं एक जो है वो पेंसिल ले लेती हूँ। बाकी आपको इसके ऊपर स्टॉल पे बहुत सारी चीज़ें और भी नज़र आ रही होंगी जो कि हमें काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल नज़र आ रही हैं, लेकिन मुझे इसकी क्वालिटी का अंदाज़ा नहीं था कि क्वालिटी कैसी होगी कैसी नहीं होगी, तो लेकिन मैंने आप लोगों को दिखा दी हैं और ख़ुद भी जो चीज़ सही लगी और ऐसा लगा कि वो यूज़ हो सकती है वो मैंने ले ली है। अब मुझे नज़र आ गई नेल पेंट जो कि इज़ा को बहुत पसंद है, तो मैंने देखा इज़ा के लिए इसमें से कौन सा कलर अच्छा रहेगा क्योंकि इज़ा को नेल पेंट्स बहुत पसंद है, तो मैंने ले ली हैं इज़ा के लिए नेल पेंट्स। तो देखते हैं कौन कौन से कलर्स इनके पास अवेलेबल हैं जो कि मैं इज़ा के लिए ले सकती हूँ, तो चलें ट्राई करके देखते हैं क्योंकि ये पेल ऑफ हैं तो इज़ा के लिए बेस्ट रहेंगे। ये मैंने पिंक के ही शेड उठाया था कि इज़ा के लिए जो है वो पिंक के कुछ शेड्स मैं देख लूँ इसमें से कि कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और कौन से मैं ले सकती हूँ। ये हमें मिल रहा था 50 रुपीज़ ईच जो है ये नेल पेंट है, तो मुझे जो है वो पिंक के दो शेड अच्छे लगे, डार्क थोड़ा सा एक उसमें था और एक था शॉकिंग पिंक मतलब बारबी पिंक, तो मैंने इसके अंदर से सिलेक्ट किया दो कलर्स में से एक डार्क पिंक जो कि मैंने लगा के जो है वो ट्राई किया और एक शॉकिंग पिंक ट्राई किया, दोनों ट्राई किए लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इज़ा के लिए शॉकिंग पिंक, तो मैंने ले लिया है इसके अंदर से दोनों में से एक कलर जो कि है शॉकिंग पिंक। तो इनको कर देते हैं हम पे, हमारा बिल बना टोटल 150 रुपीज़ का क्योंकि 50 रुपीज़ ईच जो है वो नेल पेंट था और 100 रुपीज़ ईच पेंसिल थी। सारा को टॉफियां दिख गई यहाँ पे भाई, बड़ी कौन सी वाली टॉफियां हैं? और ये छोटा वाला 100 रुपीज़ लगाएंगे, 100 रुपीज़ भाई मेकअप ब्रश इसके यार लड़का तो नहीं होगी ये चाहिए डार्क कलर की नहीं होगी इसमें और छोटे छोटे दिखाइएगा ₹50 के भाई ये हवा बिल्कुल आवाज नहीं आ रही कवर का कपड़ा आसान हो गई और ये कितने के हैं ये
बने यहाँ पे रखा रखा होंगे। है भाई 800 क्या 800 की है लाइन से सारी चप्पलों वाले ही बैठे हैं यहाँ पे मुझे लेकिन इनमें कोई सॉफ्ट नजर नहीं आ रही है मुझे लेकिन सॉफ्ट नहीं है सब इनमें काफी ज्यादा अच्छी चप्पलें मिल जाती है सॉफ्ट में नहीं होगी सॉफ्ट सोल घरेलू साइज भी मिलेगी ये कैसे होता है इस हिसाब से खुलेगी अंदर डाल के खुलेगी ना अरे मतलब ये चीज साफ करेगी हाँ और क्या क्या मामा चीजें रखी हैं आपके पास कुछ बताओ यार इंटरेस्टिंग सी कोई चीज कोई अच्छी चीज है कोई इसके लिए जो आजकल नहीं आ रही है हाँ ये क्या चीज है अच्छा साबुनदानी है बहुत अच्छा बड़ी अच्छी स्टाइल की है तो क्या प्राइस है इसके 200 रुपये के इसके अंदर कोई थोड़ा बड़ा नहीं है ये हर घर में लड़ाई होती है इसके ऊपर क्योंकि जब भी नाला डालने खड़े हो ये आपको मिलती ही नहीं है जितनी भी ले लो एक खो जाती है एक सेफ्टी पिन एक ऑल पिन और एक बाल पिन और एक ये कार्बन डालने वाला कभी टाइम पे नहीं मिलता ये भी ये देखो ये वाला है और ये वाला है अब मुझे मैंने कभी यूज़ नहीं किया इसलिए मुझे नहीं पता कि भाई क्वालिटी आप ही बताओ ना कौन सी अच्छी है कौन सा अच्छा है ये वाला अच्छा है इसी का प्राइस है ये क्या पैसे 100 का पड़ेगा ये देखो ये भी 100 का पड़ेगा ये भी 100 का पड़ेगा चलो ये वाला लेके देख लेते हैं कर क्योंकि मैंने कभी ये वाली ये बाकी ब्रशेज वगैरह के क्या प्राइस दे रहे हो भाई तौर पे भाई को जाएंगे तो भाई ये डोंगे कितने के दे रहे हैं 100 रुपये और ये वाले ये देखो इसे भी ले लें 100 रुपये का ये वाले 120 अच्छी क्वालिटी कौन सी है ये वाला तो हमें एक डोंगा ले रहे हैं जो कि हमें मिल रहा है 100 रुपीज़ का हमारी हमें चाहिए पिंक कलर का निकालते हैं भाई इसमें जरा एनसी मग्गा निकालो यार पिंक कलर पिंक कलर का मग्गा निकालो मिल जाता है सारा वो मग्गा भी पिंक कलर का चाहिए तो फाट से भाई पिंक कलर का निकला है ये भाई ले लिया हमने भाई भाई शॉपर दे रहे तो शॉपर में डाल लेंगे वरना तो ऐसा लग रहा है वरना तो ऐसा लग रहा है कि वर्ल्ड कप आ गया हाँ ये पिंक कलर के शॉपर में पिंक कलर का डाल दिया चलो बस छोड़ दो यार भाई हमारा 1000 रुपीज का जो एक हमने रखा था कि 1000 रुपीज में हम क्या क्या ले सकते हैं बोल्टन मार्केट से जो कि कहलाती है सबसे सस्ती तरीन मार्केट तो हमें मिल गए हैं इज़ा के ये 6 ट्राउजर्स हमें मिल गई हैं 0 साइज की ये जो है वो निकर्स छोटी सी पेंटीज इज़ा का हमने लिया है ये दुद्दू बोतल का
ब्रश यानी कि सीजर का ब्रश। एक लिया हमने घर की यूज की छन्नी, एक लिया हमने ये डोंगा, और इजा ने क्लिप्स निकाल भी लिए हैं और इजा ने एक लगाया हुआ भी है। ये इजा के हमें मिल गए प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से क्लिप्स। ओ और इजा नेल पेंट दिखाइए, मम्मी जो आपके लिए लेकर आई है दिखाइए। इजा ने नेल पेंट लगा भी लिया, इजा को पसंद आई। इजा अच्छी है, अच्छी है, डू यू लाइक इट? ये मैंने ली है इजा के लिए प्यारी सी नेल पेंट और इजा को बड़ी पसंद आई। ये हमने ले लिया है इसमें कैचर, एक हमारे पास आ गई है लिप पेंसिल और डोंगा। तो हमारे पास ये चीजें 1000 रुपीज में हमने ले ली है, मतलब कि आप इजीली यहाँ से जो है वो 1000 रुपीज में 2000 या 3000 जितने की भी आप शॉपिंग करते हो आपको बहुत इजीली प्राइसेस में जो है वो काफी सारी चीजें मिल जाती हैं। हम तो एक आइडिया करने गए थे कि लोग जो है वो बोलते हैं कि बड़ी सस्ती चीजें मिलती है, तो हम भी ट्राई करें कि 1000 रुपीज में कितनी चीजें आती है इतनी महंगाई के दौर में। तो उम्मीद है कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, आपने बहुत सारी चीजें देखी होंगी और इजा की भी आपने काफी सारी चीजें देखी होंगी, ज्यादातर चीजें जैसे इजा की ही है। तो जब तक न्यू ब्लॉग नहीं आता जब तक के लिए दे हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज़।